हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसे की रेसिपी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिसके ऊपर एक भी बबल्स नहीं आएगा और ये बाजार जैसी बिल्कुल हलवाइयों जैसी खस्ता बन के तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैदे का डो तैयार करेंगे। आप चाहें तो मैदे में आटा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बाजार जैसा समोसा खाना चाहते हैं तो सिर्फ मैदे का ही डो तैयार करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इसे हल्का सा क्रश करके डालेंगे, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। ये मैंने समोसा बनाने के लिए 400 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें मोयन डालेंगे। मोयन डालने के लिए हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है, और इसे मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है। इससे मोयन बहुत ही अच्छा लगता है और समोसा बहुत ही खास्ता बनता है। इसे मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसे और भी ज़्यादा खस्ता और बिल्कुल बाजार जैसा बनाने के लिए इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। इससे समोसा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। हलवाई लोग इस ट्रिक को ज़रूर अपनाते हैं। आप जब भी कभी घर पर समोसा बनाइएगा, इस ट्रिक को अपनाकर ज़रूर देखिएगा। आपका समोसा पहले से कहीं ज़्यादा खस्ता और करारा बनेगा, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने मैदे में सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत ही अच्छा सा मोयन लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे गूथने के लिए हम नॉर्मल पानी का यूज नहीं करेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी से इसे गूथेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका सख्त सा आटा लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, रोटी के लिए हम जिस तरह का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ही सख्त रखना है, ताकि हमें बेलने में परेशानी ना हो। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, नहीं तो आटा गीला भी हो सकता है। फिर आटा गीला हो जाएगा तो हमारे समोसे अच्छे नहीं बन पाएंगे, उसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। देखिए, हमने मैदे का सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है। हमने इस तरह का इसे सख्त रखा है। समोसा सख्त आटे का ही अच्छा बनता है। अब इसे हल्का सा चिकना कर लेंगे और इस तरह का कोई पैकेट लेंगे, तेल वाला या फिर रिफाइंड ऑयल वाला, जो भी पैकेट आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। अगर इस तरह का पैकेट नहीं हो आपके पास तो कोई पॉलीथीन भी आप ले सकते हैं, उसमें आटे को रख देंगे। इस तरह से पैकेट में आटे को रखने के बाद इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। समोसे की फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे 750 ग्राम के करीब आलू लिए थे। इस तरीके से हाथों से ही इसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। जब थोड़ी गर्म ही रहेगी तो अच्छे से टुकड़े कर लेंगे। इसे बिल्कुल मैश नहीं करेंगे या ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो समोसे की फीलिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बन पाएगी। साथ ही यहाँ तड़के में डालने के लिए थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सरसों और थोड़े से यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ और थोड़ी सी कलौंजी, जिसे पचफोरन भी बोलते हैं। अगर आपके घर में पचफोरन हो तो वही आप ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, तड़के में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ। सूखे मसालों में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला हमने दरदरा करके लिया है, इसे बिल्कुल भी बारीक नहीं किया है। इस तरह से मोटा दरदरा ही रखेंगे, समोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है। और 1/4 चम्मच किचन किंग ले रही हूँ। अगर आपके घर में हो तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 4 सूखे लाल मिर्च ले रही हूँ, जिसे मैं तड़के में डालूँगी। साथ ही 1 पैकेट मीट मसाला ले रही हूँ। समोसे की फिलिंग में डालने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे डालने से, समोसे की फिलिंग में। अब एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे आधी कटोरी मूँगफली। समोसे में मूँगफली को भून कर डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन बाजार वाले जो समोसे मिलते हैं उसमें मूंगफली ज़रूर डाला जाता है। इसे हल्का सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे।
मूंगफली हमारी भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये फटने लगी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए तेल में हमने जो जीरा मेथी सौंफ वगैरह निकाल के रखा था उसे डाल लेंगे। इसे हल्का सा चटकने देंगे। तड़का हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डाल लेंगे दो मीडियम साइज के इस तरह से कटे हुए प्याज। अब प्याज डालने के बाद इसे एक दो मिनट भून लेंगे। प्याज हल्का सा सॉटे हो चुका है तो इसमें डाल लेंगे दो चम्मच इस तरह से कूटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। सभी को मैंने इस तरह से दरदरा कूट के लिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से कूट के डालने पे। अगर आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और सभी को प्याज के साथ फिर से ब्राउन होने तक थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए प्याज लहसुन हल्का सा भून चुका है तो इसी में हम डाल लेंगे आधी कटोरी ताजे हरे मटर। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, या मटर का सीजन नहीं हो तो बिना मटर के भी समोसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा लेते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद एक दो मिनट और पका लेंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर थोड़े से गल ना जाए। मटर हमारा दो तीन मिनट भून चुका है और ये हल्का सा गल भी चुका है। इसे ज़्यादा नहीं गलाना है। इस तरीके से हम दबाएंगे तो ये दो भागों में बट रही है। अब हम इसी के साथ डाल लेंगे ये मैश किए हुए आलू और साथ ही डाल लेंगे ये निकाले हुए मसाले। सभी को हम एक साथ ही डाल लेंगे। साथ में स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं। साथ ही टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक चौथाई चम्मच काला नमक ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ें डालने के बाद आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। इस फिलिंग को हम जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे समोसा हमारा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, क्योंकि इस फिलिंग की नमी जो है वो सूख जाएगी अच्छे से भूनने पे, तो समोसा जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगा और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बना रहेगा। और आलू भूनते समय जो बड़ा टुकड़ा रहेगा उसे इस तरीके से हल्का हल्का सा मैश भी करते जाएंगे ताकि आलू फील करने में दिक्कत ना हो समोसे में। आलू कुछ देर भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मीट मसाला। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, या फिर नहीं पसंद हो तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से समोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये मीट मसाला डालने के बाद फिर से इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। आप समोसे की फीलिंग में अपनी पसंद के अनुसार मसाले की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। मसाले और मिर्च अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो मिर्च की क्वांटिटी को थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं। अगर तीखा आपको नहीं पसंद हो तो मिर्च की क्वांटिटी थोड़े से घटा भी सकते हैं। मीट मसाला डालने के बाद हमने इसे फिर से थोड़ी देर भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे ये भुने हुए मूंगफली और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं समोसे बनाने के प्रोसेस में। मैदे को भी रेस्ट करते हुए थोड़ी देर हो चुका है, इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल लेते हैं। मैदे को हमने पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसके छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं। अब एक एक कर लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे हमें गोल नहीं बेलना है। इस तरह का हमें ओवल शेप की रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। और इसे ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब इसे दो भागों में कट कर लेते हैं। अब इसके इस भाग पे हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा। ये मैं गुनगुने पानी का यूज कर रही हूँ इसे चिपकाने के लिए। इसे चिपकाने के लिए पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इस तरीके से इसे हाथों पर लेंगे और एक किनारों को दूसरे किनारे के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे और अंगूठे और उंगली की सहायता से इसे प्रेस करते हुए दबा देंगे। दबाने के बाद इसे हम हाथों पे इस तरीके से लेंगे, एक बार फिर से इसे प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरीके से हाथों पे लेने के बाद इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे और फिलिंग को ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा खाली ही रखेंगे। अब फिलिंग को डालने के बाद पीछे के भाग से एक सल डाल लेंगे इस तरीके से। और अब सल डालने के बाद इसे आगे के भागों में इस तरीके से चिपका देंगे। अब इसे चकले के ऊपर रखेंगे
और आगे से इस तरीके से इसे दबा देंगे और हल्का सा पतला कर लेंगे। देखिए एक समोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे समोसे को भी बना लेंगे। ये दूसरा समोसा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। हमने 6 पीस समोसा बनाकर तैयार कर लिया है, अब इसे फ्राई करेंगे। अब समोसे को तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, इसे मीडियम गरम ही करना है। और समोसे को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तेल गरम हुआ या नहीं इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा डो डालेंगे। आप देख सकते हैं तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है, तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। इस डो को पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब एक एक कर समोसे को तेल के अंदर डाल लेंगे और एक बार में 5 से 6 समोसे ही डालेंगे, ज़्यादा समोसे नहीं डालेंगे। अब इसे पहले थोड़ी देर सिकने देते हैं, इसे उलट पलट अभी नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। समोसा एक साइड से सिक चुका है, इसे मैंने दूसरी तरफ पलट लिया है। इसे दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए हो गैस के फ्लेम को मीडियम कर लें। जब ये समोसा थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद गैस के फ्लेम को आप मीडियम कर लें। देख सकते हैं समोसा हमारा कितना परफेक्ट बन के आया है। इसके ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आया है, बहुत ही खस्ता और करारा बना है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगने वाला है। समोसा हमारा ब्राउन सिक चुका है, इसे एक छन्नी पर निकाल लेते हैं। एक एक कर सारे समोसों को निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसे छन्नी पर ही रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसके अंदर वो कढ़ाई में ही निकल जाएगा। अब इसी तरीके से सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने समोसे को फ्राई करने के बाद इसे सर्व कर लिया है। देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। और इसे मैंने सर्व किया है लाल चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी इसके साथ खाने में। आप भी इस तरीके से समोसे को ज़रूर बनाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।